पुलिस के द्वारा एक तमंचा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 14 बने व 14 अधबने तमंचे भी बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर पुलिस के द्वारा अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। फैक्ट्री में तमंचा बनाने वाले दो सौदागरों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री में बने 14 व 14 अधबने तमंचे बरामद किए हैं। आम के बाग में चल रही थी तमंचा बनाने की फैक्ट्री, अनूपशहर पुलिस को सफलता मिली है। अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। कितने आरोपियों को अरेस्ट किया? प्रभारी निरीक्षक अनूप सहर और उनकी टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई ग्राम बक्सरा है, वहाँ पे एक ट्यूबवेल पर ये कार्य चल रहा था, तो दो अभियुक्त जिसमें से गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 12 बोर के 12 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर की, ये उनके पास से रिकवर हुई है। जिनमें से एक अपराधी रवि कुमार जो है, इसके विरुद्ध 8 मुकदमे हैं और दूसरा अभियुक्त जो है उस राजुद्दीन, जिसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, इतनी बड़ी खेप बन रही थी, कहाँ ले जाया, इतने की तैयारी थी, उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया जाए? ये इस क्षेत्र में कभी पिछले दिनों में ऐसी कोई सूचना कभी नहीं प्राप्त हुई है। बाहर से आया हुआ अलीगढ़ का अभियुक्त है, ये लगता है कि वहाँ दबाव बना तो इस क्षेत्र में आकर के अपनी गतिविधियाँ संचालित की, और जैसे ही इन्होंने इस कार्यवाही को अंजाम दिया, हमारी पुलिस ने सतर्कता पूर्वक इनको गिरफ्तार करके कार्यवाही की। हाँ, इनसे जानकारी मिली है कि अभी ये जल्दी ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, कहीं और दबाव में थे।